इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच, जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि मैंने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 2.9 रुपए महंगा होकर 281 रुपए की सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में 286 रुपए पर आ गया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी डॉलर की उड़ान थम न सकी। आज भी ट्रेडिंग के आगाज में इंटर बैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 2.9 रुपए महंगा हुआ और 281.35 रुपए पर पहुँच गया। फॉरेक्स डीलर्स का कहना था कि बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 281.50 पर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा होकर 287 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर की जेर सदारत 258 में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मादर वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को भरपूर हिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म के लिए, बामकसद तरबियत पर जोर, शुरका का मईशत की बहाली के लिए तकनीकी इंतजामी समेत हर किस्म की मुआवनत के अज़्म का अदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने GHQ में 258 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। फोरम के शुरका को दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मादर वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। कराची वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेम्बरान से न्याज स्टेडियम हैदराबाद में PSL मैचेस के इनेकाद की दरख्वास्त कर दी। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के 3 मेम्बरान से मुलाकात की। PCB मेम्बरान में जहीर पताफी, खुरम सोमरू और कलीमुल्लाह खान शामिल हैं। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह ने PCB के मेम्बरान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर अला ने PCB मेम्बरान से दरख्वास्त की। वजीर अला सिंध ने कहा कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद में PSL मैचेस का इनेकाद कराएं। स्टेडियम की बेहतरी के लिए हुकूमत सिंध PCB से तआवुन करेगी।